ये उत्तर प्रदेश में मौर्य का चेहरा दिखा करके योगी को स्थापित किया गया। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में भाषाई मर्यादा भी टूट रही है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के लंपटीकरण राजनीति को कतई स्वीकार नहीं करती। अपना परंपरागत सीट बचाएंगे, मेरी चुनौती है। परंपरागत सीट नहीं बचा सकते हैं, चले हैं तो ये भला हो। वही निशाना है ना कि जो सम्राट को आगे करके योगी लग गई है, तो योगी ये मठ है बिहार। इसलिए बोला जा रहा है कि पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिहार हो चुका है, और उनको पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, बिहार ने तय किया। डर तो है उनके अंदर, छोटा बार बन के बिहार बिहारी होने का जो स्वांग रचते हैं, जरा बोले तो जरा सोटा लेकर रह देगा बिहारी ऐसे लोगों। माफ करिएगा, बिहार का पान करिएगा, बिहारी चुप रहेगा। आर के मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे आगे आ रहे हैं गिरिराज सिंह, ने दावा कर दिया। देखिए, बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आंतरिक कलह का शिकार हो चुका है। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में मौर्य का चेहरा दिखा करके योगी को स्थापित किया गया था। तो बिहार के में राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग, लोकतांत्रिक लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। ये जानते हैं इनके फ्रेम को, इनके चाल को समझते हैं। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में भाषाई मर्यादा भी टूट रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के आधार पर बिहार में आगे बढ़ना नहीं चाहती है, कोई मुद्दा जनहित का नहीं उठाती है। वो चाहती है कि राजनीति में हम लंपटीकरण संस्कार को स्थापित करें। तो लंपटाई से राजनीति नहीं चलती, राजनीति एक सुचता है, एक मानक है, उसके आलोक में चलता है। इसलिए बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के लंपटीकरण राजनीति को कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और इनको जिनको चेहरा बनाने न बनाने का सवाल उठता है, कौन बोला है, कौन होता है भाई, कोई फैसला हुआ है क्या? अब मौर्य का तो फैसला बेचारा का हो गया था उत्तर प्रदेश में, जिनको तो कान पकड़ के बाहर कर दिया। ये किस खेत की बोली है? तो हाल ही हमारा पार्टी से जैसे गेवे के डिस्चार्ज होकर करके यही ना राजनीतिक रूप से प्रौढ़ता हासिल की है। पगड़ी बांध लिया उन्होंने, पगड़ी बांध लिया। अरे भाई, अच्छा पूछ लेते हैं आपसे, अपना परंपरागत सीट बचाएंगे, मेरी चुनौती है। परंपरागत सीट नहीं बचा सकते हैं, चले हैं। कहावत है जो लोग समझ ना रहा है, उत्तर प्रदेश में धोखा, अब बिहार में फिर खाएगा धोखा। समाजवादी लोग नहीं आए जी, एक एक चीज़ को जानता और समझता है ना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है, वो राजनीति करती है। उसके लिए न रोजगार अब विषय है, न उसके लिए महंगाई विषय है, न गिरती हुई अर्थव्यवस्था विषय है, न संविधान पर हो रहे हमले उनके बारे में विषय है। वो तो सब कुछ करते जाते, उनका 24/7 एक ही मिशन रहता है, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, जैसे हो जैसे करो। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार का योगी बनेंगे सम्राट चौधरी। अब तो ये भला हो, वही निशाना है ना कि जो सम्राट को आगे करके योगी लाभ गई है, तो योगी ये मठ है बिहार। बिहार मठ नहीं ना है, लोकतंत्र का मंदिर है। पार्टी के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री ने बिहार के वासियों को फिर एक बार अपमानित किया है और बिहार के लोगों को अपराधी कहा है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, बिहार और बिहार के लोग ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिन राज्यों के गाहे बेगाहे बिहार के संदर्भ में अपनी बात जो बोलते हैं, तो 24 में इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, ये सब जो काहे बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिहार हो चुका है, और उनको पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, बिहार ने तय किया है। तो डर तो है उनके अंदर में, और उस डर का जो प्रकटीकरण आ रहा है इनके बिगड़ैल बोल, इनके विषैले बोल, इनका जो नफरत है बिहारियों के प्रति, तो 24 में जवाब देना ना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। ये जो मुंह पर चोटा बांध बांध के बिहार बिहारी होने का जो स्वांग रचते हैं, जरा बोले तो जरा सोटा लेकर रह देगा बिहारी ऐसे लोगों को। माफ करिएगा, बिहार का पान करिएगा, बिहारी चुप रहेगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।